हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलकास हेल्थी किचन। आज अलकास हेल्थी किचन में मैं लेकर के आई हूँ डोमिनोज स्टाइल पिज्ज़ा रेसिपी, जिसे आप घर पे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, वो भी कढ़ाई में। जी हाँ, इसे मैंने कढ़ाई में बेक किया है और बिल्कुल भी अंतर नहीं लगेगा आपको कि आपने इसे कढ़ाई में किया है या फिर ओवन में किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं झटपट से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें आधा गिलास ये गुनगुना पानी डाल दिया है मैंने, एकदम से बार में बिल्कुल एकदम से गुनगुना जैसा। और आधा चम्मच चीनी डाल दिए, अच्छे से डिसोल्व कर देना है, इसे घोल देना है। और चीनी अच्छे से घुल गई है हमारी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि डोमिनोज स्टाइल बना रहे हैं हम, तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक्टिव ड्राई यीस्ट। तो इसमें मैं जो यीस्ट डाल रही हूँ उसे आधा चम्मच लिया है मैंने। और अब इसे ढक करके ऐसे ही छोड़ देंगे और मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो 10 मिनट हो गए हैं, ईस्ट हमारी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब इसमें हम मैदा डाल देंगे। तो एक कटोरी भर के अच्छे से मैंने मैदा ले लिया है और 3 चम्मच मिल्क पाउडर है ये। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मावा डाल सकते हैं, लेकिन अगर डोमिनोज स्टाइल बिल्कुल बनाना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर जरूर डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑलिव ऑयल 3 से 4 चम्मच, नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर बटर डाल सकते हैं, सरसों का तेल या कोई भी फ्लेवर तेल ना डालें। और नमक डाल के अच्छे से इसका आटा लगा लेंगे, और पानी की ज़रूरत हो तभी इसमें पानी डालें। और एकदम से जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे भी सॉफ्ट आटा लगाना है, और इस तरीके से इसे मथते रहें, अच्छे से मथना है इसे 3 से 4 मिनट के लिए। और ये अपने आप आपकी फिंगर से हाथों से छूटने लग जाएगा बर्तन से सारा आटा। और आपको लगे पानी की ज़रूरत है तभी डालें। अब मैंने इस पर थोड़ा सा बटर का हाथ ले करके, हाथों पर थोड़ा बटर लगा करके अच्छे से आटे को और थोड़ा मथ लिया था। तो मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे इस तरीके से राउंड राउंड किया था, और ये हमारा आटा मलके एकदम से तैयार हो गया है, हाथों से भी छूट गया है, बर्तन से भी एकदम से छूट गया है। तो चलिए अब मिलते हैं, अब इसे रेस्ट करने रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं 40 मिनट बाद। अब यहाँ पे देखिए 40 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा एकदम से डबल हो गया है जैसा हमें चाहिए था, एकदम से बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है ये आटा। और चलिए अब इसका हम पिज्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डो तैयार किया है पिज्ज़े के लिए, तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के पिज्ज़ा तैयार किए हैं। एक मैंने बनाया है ओवन में और दूसरा बना रही हूँ मैं कढ़ाई में गैस के ऊपर। तो बेकिंग में कोई अंतर नहीं है, आप कढ़ाई में बनाएं ओवन में बनाएं कोई अंतर नहीं है। बस मैंने बताने के लिए एक ओवन में बनाया था और दूसरा कढ़ाई में बना रही हूँ। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने दोनों को मर्ज नहीं किया, एक साथ नहीं बनाई, इसलिए अलग अलग अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा खाना है जिसमें चीज़ अंदर फिल होता है, ऊपर भी रहता है और अंदर भी रहता है, तो आप मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप क्लिक करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको जैसा भी चाहिए, सिंगल टॉपिंग का चाहिए, सिंगल चीज़ ऊपर रहता है वैसा चाहिए, तो वो वीडियो मैं बना ही रही हूँ। कढ़ाई में मैंने सिंगल वाला बनाया था और ओवन में मैंने चीज़ बस्ट बनाया था। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अंदर मैंने डाल दिया नमक, नमक से एक इकसार हीट आती है, और नहीं है तो ऐसे भी रख सकते हैं तवे के ऊपर करके, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट रख दें, ऊपर बर्तन रखेंगे तो कोई बात नहीं। और अब मैंने बटर लगा के मैदा डस्ट कर लिया है। अगर आप एक क्रिस्पीनेस चाहते हैं जो डोमिनोज वाले पिज्जे में होता है, तो मैदा का इस्तेमाल कर लें, वो सॉरी मैदे का नहीं मक्के का आटे का इस्तेमाल करें। मेरे पास मक्का का आटा नहीं था तो मैंने मैदा ही यूज़ करी है। अब फोक कर दिया है मैंने, फोक से इसमें छेद कर दिए हैं थोड़े से, जिससे हमारा पिज्ज़ा फूले नहीं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ 3 तरीके की सॉस का इस्तेमाल, एक पिज्ज़ा सॉस, दूसरा टमेटो सॉस, तीसरी मैंने बनाई है लहसुन लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची और टमाटर की चटनी, जिसे मैंने एक एक चम्मच सभी को लिया है। और किनारों से हमें रखना है इसे मोटा, और बीच से थोड़ा पतला रखना है, और किनारे हमें पिज्जे के मोटे रखने हैं। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ लिया है ये मोजरेला, ब्रिटानिया का मोजरेला चेडार चीज़ है। इसमें चेडार मिक्स आता है जिससे आप खाते हैं तो एक खिंचाव जब
वो टपकता हुआ चीज़ नज़र आता है ना, जो खींचता है टपकता है, तो वो चटार चीज़ होता है। तो अगर आपको ये वाला पैकेट ना मिले तो आप ब्रिटानिया का ये वाला और नहीं तो गो चीज़ ले सकते हैं, जो भी आपको मिले दोनों तो कोई अंतर नहीं है, ब्रिटानिया का सबसे बेस्ट है। और अगर ये वाला मिल जाता है, बस ये घिसा हुआ आता है, घिसना नहीं पड़ता, बाकी दोनों ही सेम है, तो आप ब्रिटानिया का ले सकते हैं। अगर ये वाला मिल जाए तो ये वाला ले लें। और मिक्स वेजिटेबल रख के हम इसकी टॉपिंग कर देंगे। और ये जो मैंने पनीर लगाया है, इसे मैंने लहसुन, लाल मिर्ची और टमाटर की चटनी में 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया था, और उसके बाद मैंने पनीर को यहाँ पे रखा है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके। और जो भी आपको सब्जी पसंद है, वेजिटेबल पसंद है, आप इस पे लगा सकते हैं, ऑलिव हो, मशरूम हो, जो भी आपको जिस तरीके की भी सब्जी चाहिए आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लें। तो मेरे पास जो भी थी, और आपको जितना भी चीज़ चाहिए, मैंने मीडियम चीज़ रखा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ भी नहीं रखा, तो आपको जितना चीज़ चाहिए, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें, आपकी मर्जी है उसमें। और साइड में बटर या फिर ऑयल, रिफाइंड ऑयल कुछ इस तरीके से लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो किनारे होते हैं आपके सोप तभी बनेंगे, वरना तो कड़क से हो जाते हैं थोड़े। और इस तरीके से रखेंगे तो वो सॉफ्ट होंगे, तो ऑयलिंग ज़रूर कर दे किनारों पर। अब हमारी कढ़ाई होगी बहुत अच्छे से गर्म। यहाँ पे मैंने ले लिया है रिंग। अगर आपके पास इस तरीके से रिंग नहीं है तो कोई बड़ा बर्तन, कटोरा या जो भी, जिस पे भी आप को लगे कि इस पे रख के हम बेक कर सकते हैं, उसे अंदर रख दें। और इसे ढक कर के 10 से 12 मिनट बाद अब हम मिलते हैं। और ये देखिए 10-12 मिनट हो गए हैं, बीच में एक बार ज़रूर चेक कर लें 7-8 मिनट बाद। और ये देखिए बहुत अच्छे से बेक हुआ है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ऑरिगेनो और लाल इस तरीके की चिली फ्लिक। तो अच्छे से इसे डाल के 3 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, और फिर मिलते हैं 3 मिनट बाद। गरम एकदम से, ये बहुत गरम होता है, तो एकदम से उतारने की गलती ना करें, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी निकालें। और अच्छे से मोटा कपड़ा ले लें, नहीं तो हाथ जलने का चांस रहता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बेक हुआ है, ये परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कढ़ाई में बनाए या फिर ओवन में बनाए। आप मेरे चैनल पे देखेंगे ओवन वाला, तो बिल्कुल भी अंतर नहीं लगेगा कि ये ओवन वाला है या फिर कढ़ाई वाला है। दोनों ही इस तरीके की, वो ओवन में बेक हुआ था और ये कढ़ाई में बेक किया है मैंने, एक साथ ही बनाया है। बस वीडियो लंबी होने के कारण मैंने एक साथ अपलोड नहीं करी, अलग अलग इसे बना दिया है। तो ये देखिए परफेक्ट हमारा कढ़ाई पिज्ज़ा बनके एकदम से तैयार हुआ है, एकदम से डोमिनोज स्टाइल। और अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। और इसे कट करने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें, 10 मिनट बाद कम से कम कट करें, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो थोड़ा रुक करके तभी कट करें, तभी इसमें हार्ड टच करें। और ये देखिए ये जो थोड़ा इस तरीके से टपकता हुआ चीज़ होता है, तो ये चटार से ही आता है। और आप बैक साइड भी देख सकते हैं कितना अच्छा सिका है, दोनों तरफ से एकदम से बढ़िया सिका है। तो बहुत ही यमी पिज्ज़ा तैयार हुआ है हमारा, एकदम से डोमिनोज स्टाइल। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।